हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू। चैप्टर 13 तक के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, इफ x1 x2 x3 xn आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ गिवन डेटा, देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विल बी। मीन निकालने का फॉर्मूला जो है वो इनमें से क्या है वो हमें बताना है। फर्स्ट है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकेंड है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, थर्ड है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी नंबर से उन सबको हम एडिशन में लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn टर्म्स तक, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है फॉर्मूला मीन फाइंड करने का। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिखा, ए में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 एंड सिग्मा FIXI इज इक्वल टू 120 प्लस 3K, समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 30, देन K इज इक्वल टू। अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FIXI अपॉन समेशन ऑफ FI। अब यहाँ पे मीन हमें गिवन है 7.5, मीन को पुट कर देते हैं, 7.5 इज इक्वल टू सिग्मा FIXI दिया है 120 प्लस 3K अपॉन में सिग्मा FI दिया है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 7.5 इक्वल 120 प्लस 3K। 3 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे 3 5 15, 3 7 21, 22 और 0 का 0, 1 के पहले पॉइंट 225 इज इक्वल टू 120 प्लस 3K। 120 माइनस में आएगा, 225 माइनस 120 इज इक्वल टू 3K, 5, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 105, ये 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में इज इक्वल टू K, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। यहाँ K की वैल्यू हमें मिल गई 35। हमें फाइंड करना था K इज इक्वल टू, तो K की वैल्यू आई है 35। ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मोड एंड मीन इज गिवन बाय 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन इज। यहाँ पे मोड और मीन हमें गिवन है 7 और 8, हमें मीडियन फाइंड करना है। तो यूज करेंगे फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें अगर मोड फाइंड करने को बोले, मीन फाइंड करने को बोले या फिर मीडियन, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ये फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर इनमें से कोई भी दो चीजें गिवन है, एक फाइंड करना है, तो ये वाला ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब मोड हमारे पास गिवन है 7 इज इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन हमें फाइंड करना है, माइनस 2 मीन, मीन है 8, 7 2 8 जा 16 माइनस का इधर आ जाएगा प्लस 16 इक्वल 3 मीडियन, 16 प्लस 7 23, 3 यहां से डिवाइड में इक्वल मीडियन। अब यहां ऑप्शंस में 23 बाय 3 है, तो मीडियन की वैल्यू क्या हो गई, 23 बाय 3। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द मीन ऑफ द डेटा 4 10 5 9 12 इज, हमें मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ
observations. अब sum of all observation क्या होगा, इन सबका sum 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 मीन इज इक्वल टू, यहां पर 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 9 28, 29 30, 30 और 40, 40 बाय 5, 5 बन जा 5, 8 जा, तो मीन आ गया 8. यहां पर हम चेक करेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द क्लास इंटरवल ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन इज 10 टू 15, देन द क्लास मार्क फॉर दिस इंटरवल विल बी. यहां पर क्लास इंटरवल जो है वो गिवन ऑब्जर्वेशन का 10 से 15 है. क्लास मार्क हमें फाइंड करना है. क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है क्लास मार्क इक्वल अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अपर लिमिट क्या होगी 15 प्लस लोअर लिमिट 10 डिवाइडेड बाय 2. 15 प्लस 10 25 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 12.5. क्लास मार्क क्या आया 12.5. ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से, इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 24, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ऑब्जर्वेशन एक्स 5 6 1 2 विल बी. यहां पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब समेशन ऑफ एफ आई हमें गिवन है 24 है. अब समेशन ऑफ एफ आई हम फाइंड कैसे करते हैं, सारे नंबर्स का एडिशन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इन सब को हम प्लस में लिखेंगे x प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2. यहां पर 5 6 11 12 13 14 ये हो गया 14 प्लस x इक्वल में सिग्मा एफ आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 24. 14 माइनस में आ जाएगा 24 माइनस 14 इज इक्वल टू x, ये हो गया 10 इक्वल x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10. ऑप्शंस में ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया आर 5 19 42 एंड सो ऑन, देन मीडियन इज. यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर्स को असाइनिंग ऑर्डर में लिख लेंगे. या सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 0, फिर 5, 0, 5, फिर 11, 0 क्या 5 हो गया 11, देन 19, 19 के बाद 21 और 27, 21, 27, देन 30, 36, 30, 36, 42, 50 और 52. यहां पे हम नंबर्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर्स है. अब वो प्रोसेस हम पहले बाद में करते हैं. अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसे हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, मीडियन फाइंड करना है हमें, कोने कोने से नंबर हम कैंसिल करते जाते हैं. ये हट गया, ये हट गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मीडियन क्या आ गया 27, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब अगर पूरा सॉल्यूशन लेकर आना तो हम कैसे करेंगे, टोटल नंबर्स कितने हैं 11. 11 क्या होता है ऑड, जब भी ऑड नंबर्स होते हैं तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन ये क्या हो जाएगा 12 बाय 2 मतलब 6 ऑब्जर्वेशन. अब 6 ऑब्जर्वेशन हम कहां पर
असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऑब्जर्वेशन क्या आया, 27, तो मीडियन क्या हो गया, 27, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमें मीन फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास एक्स आई है, एफ आई है, फॉर्मूला मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे एक वैल्यू तो चाहिए हमें समीशन ऑफ एफ आई की, और दूसरी वैल्यू चाहिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की, तो पहले हमें एफ आई एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, 11 3 जा 33, 14 6 जा 84, 17 8 जा 136, 20 7 140। अब यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई निकालते हैं, पहले एफ आई निकालेंगे, 7 + 8 = 15, 15 + 6 = 21, 21 + 3 = 24। यहाँ पे टोटल करते ये हो जाएगा 0 6 4 10 3 13, 4 1 5 3 8 8 8 16 17 18 19 1 2 3 393। अब यहाँ वैल्यूज हम पुट करते हैं, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आया 393 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई आया 24। ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 5 1 जा 51 हो गया, 8 6 जा 48, 51 से छोटा कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे 30 से छोटा 8 3 जा 24, 6 बचा 60 से छोटा 8 7 जा 56, 16.37। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि अगर एक वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16.4 राउंड फिगर में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें लेना है और फाइंड करना है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ पे हमें क्लास देके रखी है, फ्रीक्वेंसी दी है, क्लासेस जो है वो अनइक्वल है, 0 to 5 है, उसके बाद 5 नहीं आ रहा है, 6 से 11 है, फिर 11 नहीं आ रहा है, 12 से 17 है। अब इसे इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है उसमें -0.5 और जो अपर लिमिट होती है उसमें +0.5। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5 और ये हो जाएगा 5.5। वैसे यहां पर हो जाएगा 5.5 से 11.5, ये हो जाएगा 11.5 से 17.5। हम क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, ये 17.5 से 23.5 और 23.5 से 29.5। अब हमारे क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल हो गई, यहाँ फ्रीक्वेंसी की वाले। अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 13 का 13 रहेगा, फिर 13 + 10 = 23, 23 + 15 = 38, 38 + 8 = 46, 46 + 11 = 57। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 57। मीडियन में n बाय 2 लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 57/2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0.5 28.5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 28.5 है क्या, नहीं, तो ऐसा नंबर जो उससे बड़ा हो जिसके अंदर 28.5 लाइन करेगा, तो 38 ले सकते हैं। 38 का क्लास इंटरवल हम देखेंगे, 28.5 इज लाइ ऑन द क्लास इंटरवल ऑफ 11.5 to 17.5। और हमें पूछा क्या है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अपर लिमिट मीडियन क्लास की क्या होगी, 17.5। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन बी 17.5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज।
यहाँ पे हमें मोड फाइंड करने का बोला है जिसमें क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहली बात, मोड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग इवेंट। मोस्ट अकरिंग इवेंट मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 23। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मोस्ट अकरिंग इवेंट की लिमिट क्या है? 12 to 15। और लोअर लिमिट क्या हो गई? 12। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 12। प्लस f1 क्या हो गया? जो मोस्ट अकरिंग इवेंट है वो f1, उसके प्रिसीडिंग क्लास जो है वो f0, एक बाद वाली जो क्लास है वो f2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे f1 है 23 माइनस f0 है 10 अपॉन में 2 इंटू f1 23 माइनस f0 10 माइनस f2 21 इंटू हाइट। हाइट क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या है 3। 12 प्लस 23 माइनस 10 13 अपॉन में 2 इंटू 23 46, 46 माइनस 10 36, 36 माइनस 21 15 इंटू 3, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, 12 प्लस 13 बाय 5 कैंसिल करेंगे, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 3 वन जा 36, 12 प्लस 2.6 कितना हो जाएगा? 14.6। मोड क्या हो गया? 14.6। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थी, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। यहाँ पे बोला है मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 है। मोड माइनस मीडियन ये हमें गिवन है 24 और मीडियन माइनस मीन हमें फाइंड करना है। मीडियन माइनस मीन ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहां पर मोड है, अब मोड माइनस मीडियन चाहिए तो एक मीडियन को हम इधर ले आते हैं माइनस मीडियन। इक्वल में यहां कितना हो जा 2 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड माइनस मीडियन गिवन है हमें 24 इक्वल, दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे ये बचेगा मीडियन माइनस मीन। 2 डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 12 इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। तो मीडियन माइनस मीन की वैल्यू क्या आ गई 12। ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 थी, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 47 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मीन हमें गिवन है 47 है, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे प्लस क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल से हम एक्स आई निकाल सकते हैं। 0 और 20 के बीच का नंबर, दोनों के बीच का नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमें इजीली दिख रहा है 0 20 के बीच में क्या आएगा 10, 20 40 के बीच में 30, 40 60 के बीच में 50, 60 80 के बीच में 70, 80 100 के बीच में 90। fi फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 8 15 20 p 5। fi xi निकाल लेंगे, fi xi 10 into 8 80, 30 into 15 450, 50 into 20 1000, 70 into p 70p, 90 into 5 450। अब fi का टोटल करेंगे 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 8 48, 48 प्लस p। fi xi का टोटल करेंगे 450 900 प्लस 1000 1900, 1900 प्लस 80 1980 प्लस ये वाला 70
पी। अब मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। मीन हमें गिवन है 47 इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आया 1980 प्लस 70 पी होल के अपॉन में सिग्मा एफ आई अपने पास है 48 प्लस पी। अब 48 प्लस पी का मल्टीप्लाई हम करेंगे 47 से, 47 इंटू 48 करेंगे तो ये आएगा 2256 प्लस 47 इंटू पी 47 पी इक्वल 1980 प्लस 70 पी। अब 1980 को हम इक्वल में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2256 माइनस 1980 इक्वल 70 पी। ये इक्वल में गया तो माइनस में हो गया 47 पी। 2256 माइनस 1980 करेंगे तो ये हो जाएगा 276 इक्वल 70 पी माइनस 47 करेंगे तो ये 3 और 2 23 पी। 23 डिवाइड में आएगा पी इज इक्वल टू 276 बाय 23। 23 बन जा 23 बन जा यहां पे 4 बचा 23 2 जा 46 पी की वैल्यू आ गई 12। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 थे फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, बोला है द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। यहाँ पे हमें अपर लिमिट मीडियन क्लास की फाइंड करना है और लोअर लिमिट मॉडल क्लास की। अब सबसे पहले हम मॉडल क्लास का निकाल लेते हैं। मॉडल क्लास की लिमिट क्या होगी, यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20, 20 का क्लास इंटरवल क्या है 15 से 20। मॉडल क्लास इंटरवल क्या आएगा 15 से 20, इसका हमें क्या चाहिए लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसकी क्या होगी 15, लोअर लिमिट क्या होगी 15। अब मीडियम क्लास का देखें तो मीडियम क्लास का निकालने के लिए पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। यहां पहले टेबल बना लेते हैं सी आई एफ और सी एफ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। फ्रीक्वेंसी 10, 15, 12, 29। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 66। यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 66। मीडियन का फॉर्म लगाएंगे n बाय 2, 66 बाय 2 ये हो जाएगा 33। अब यहां पर आप चेक करेंगे 33 कहां लाया करेगा, 33 नहीं है तो उससे बड़ा क्या है 37, और 37 वाले में ही क्लास इंटरवल 10 टू 15। इसमें हमें मीडियन क्लास जो मिली है वो मिली है 10 टू 15 की और इसमें हमें चाहिए अपर लिमिट। अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 15। यहां पे हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या आया 15, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या आया 15। दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 49। इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम्स व्हिच शुड हैव बीन 60 70 80 वर रॉन्गली रीड एज 40 20 50 रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट मीन इज, यहाँ पे हमें बोला है मीन ऑफ 100 आइटम्स जो है वो हमें गिवन है 49 है, लेकिन क्या हुआ 3 आइटम्स जो थे 60 70 80 के वो रॉन्गली रीड हो गए 40 20 50 से, तो हमें करेक्ट मीन फाइंड करना है।
अब यहाँ पे पहले हमें क्या देख के रखा है, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे पहले का मीन क्या है हमारे पास 49 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करने अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 दिए हैं। तो इससे हम पुराना समेशन फाइंड कर लेते हैं, सम टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वो निकलेगा 49 × 100। अब जो करेक्शन है वो हम यहाँ पे करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेक्ट वाला फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ओल्ड है उसे लिखेंगे 4900। अब माइनस करेंगे जो हमने गलत रीड कर दिया, ये कितना हो रहा है 5, 4, 9, 10, 11, 110 को माइनस करेंगे और जो करेक्ट था उसे प्लस करेंगे 8, 8 और 6, 14, 14 और 7, 21, 210। यहां पर 4900 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 0, 1 में से बन गया 0, 2 में से बन गया 1, 4900 प्लस 100 कितना हो जाएगा 5000, ये आ गया हमारे पास सम टोटल। अब करेक्ट मीन फाइंड करना है, न्यू मीन, न्यू करेक्टेड मीन निकालेंगे तो वो जाएगा मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। यहां पे न्यू करेक्टेड समेशन क्या आया सम टोटल का 5000 अपॉन टोटल नंबर कितने की बात है 100 आइटम्स, इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना बच रहा है 50। तो करेक्ट मीन क्या आया 50, ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पर हमारे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो गए, प्रीवियस क्लासेस तक हमने चैप्टर 13 तक के एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं, इस क्लास में हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।